हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं स्टोरी ऑफ मस्जिद अल जरार, पीस ऑफ अरब हाइपोक्रिटिक्स। आई डोंट नो, ये टाइटल थोड़ा सा जगह का नाम है, मतलब प्लेस का नाम है, और प्लेस थोड़ी सी ऐसे ये अरब में है, जैसे कि इसके अंदर मस्जिद अल जरार, मस्जिद अल जरार मस्जिद का नाम है और प्लेस है अरब हाइपोक्रिटिक्स। हमको पता नहीं है कौन सी जगह है और क्या स्टोरी है, तो डेफिनेटली हम वीडियो के अंदर देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम किस टॉपिक पे नई वीडियो करें ये भी बता दीजिएगा। और फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो हमने बनाई नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया। आपने भी देखा होगा चैनल पे वीडियो आ नहीं रही है रेगुलर, क्योंकि सम इशूज़ होते हैं और पर्सनल काम होते हैं बहुत सारे, तो उस वजह से गैप हो जाता है। अब गैप हो जाता है तो एकदम से थोड़ा आदत छूट जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को देखिए, बताइए हमें कैसी लगी वीडियो, और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोरी ऑफ मस्जिद अल जरार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मक्का के मुनाफिकीन को एक के बाद एक मुसलमानों से जंग के अंदर शिकस्त के बाद ये हिम्मत ना थी कि वो ऐलानिया मुसलमानों की मुखालफत करते, लेकिन ये लोग पर्दे के पीछे रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के अंदर मसरूफ़ रहते कि मुसलमानों में किस तरह से इख्तलाफात और फूट डालकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं। इस मकसद को हासिल करने के लिए जहां पर इन बेईमानों ने बहुत सारे फितने मुसलमानों के अंदर खड़े किए, इनमें से एक वाकया 9 रजब को भी पेश आया, जो दर हकीकत एक बहुत बड़ी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, मगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इस खौफनाक मुहिम से वही के ज़रिए आगाह फरमा दिया और इन मुनाफिकों की सारी स्कीमों पर पानी फिर गया। दरअसल वाकया यह है कि 9 रजब को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि तबूक के मैदान में, जो कि मदीना मुनव्वरा से 14 मंजिल पर दमिश्क के रास्ते पर वाकया है, वहाँ पर हरकुल बादशाह, जो कि रोम का बादशाह था, इसने मुसलमानों के खिलाफ मुकाबले के लिए एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के अंदर सख्त गर्मी और कहत के बावजूद जहाद के लिए ऐलान फरमाया और मुसलमानों का जोशो खरोश और जिहाद का शौक इस गर्मी के अंदर भी मदीना के अंदर मुसलमानों को जमा करने लगा। ये सब लोग जिहाद के लिए तैयार हो गए। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद की इसी तैयारियों के अंदर मसरूफ़ थे कि मुनाफिकीन ने इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि मस्जिद कुबा के मुकाबले में इस बहाने से एक नई मस्जिद को तैयार करें कि जो लोग किसी ख़ास बहाने की वजह से मस्जिद नबवी के अंदर ना जा सकें, वो लोग यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ लें। जबकि इसके पीछे दरअसल मुनाफिकीन का मकसद ये था कि इस मस्जिद को इस्लाम के खिलाफ तखरीबकारी के लिए या साजिशों का एक अड्डा बनाकर इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें, यहाँ पर नई नई स्कीमें बनाएं और शाह रोम की खुफिया इमदाद और असला वगैरह के जखीरों का इस मस्जिद को मरकज़ बनाएं और इसी छोटी सी मस्जिद से इस्लाम के खिलाफ साजिशों का जाल पूरे आलम इस्लाम के अंदर बिछाते जाएं, यानी इसकी जड़ों को खोखला कर दें। यही सोच लेकर मुनाफिकीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम लोगों ने बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के लिए करीबी एक मस्जिद बनाई है और हमारी ख्वाहिश है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर चलकर इसमें नमाज पढ़ा दें तो इस मस्जिद का दर्जा बहुत ही बढ़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि इस वक्त तो मैं एक बहुत ही अहम जिहाद के लिए मदीना से बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर इस पर देखा जाएगा। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से और कामयाबी के साथ मदीना वापस तशरीफ लाए तो वही इलाही के जरिए इस मस्जिद की तामीर का हकीकी सबब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और मुनाफिकीन की खुफिया और ख़तरनाक साजिश भी बेनकाब कर दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही सबसे पहला काम यह किया कि सहाबा किराम और मुसलमानों की एक जमात को हुक्म देकर भेजा कि वहां पर जाकर इस मस्जिद को आग लगाकर बिल्कुल खाक और स्याह कर दें। चुनांचे उस मस्जिद को, जिसकी बुनियादी साजिशों के लिए और तकरीब कारी के लिए रखी गई थी, बिलाशुबा वो इसकी मुस्तहिक थी कि इसको जलाकर बर्बाद कर दिया जाए। इस साजिशी अड्डे को दरअसल मस्जिद कहना इसकी हुरमत के खिलाफ था, इसीलिए कुरान मजीद ने इस सूरत हाल को जाहिर करने के लिए ऐलान फरमा दिया कि इस मस्जिद को अब मस्जिद नहीं कहा जाएगा बल्कि इसका नाम आज से होगा मस्जिद जरार। ओके, अल्लाह ताला ने इन गज़बनाक और पुरजलाल अल्फाज के साथ इस मस्जिद जरार की हकीकत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बयान फरमाई कि सूरह तौबा में इरशाद होता है कि वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुँचाने को और कुफर के सबब और मुसलमानों को तकसीम करने के लिए, और इसके इंतजार में जो कि पहले से अल्लाह और इसके रसूल का मुखालिफ है, और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई चाही और अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे हैं। इस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना, क्योंकि बेशक वो मस्जिद पहले ही दिन से, जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर रखी गई, सिर्फ वो इस काबिल है कि तुम इसमें खड़े हो। इसमें वो लोग हैं जो कि खूब साफ सुथरा होना चाहते हैं, और बेशक साफ सुथरे लोग अल्लाह को पसंद हैं। इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि एक ही अमल करने वाले की नीयत के फ़र्क से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी।
यहाँ तक कि किसी नेक अमल के पीछे भी अगर आपके इरादे अच्छे नहीं हैं तो सवाब तो दूर की बात, बल्कि आप अपने लिए जहन्नुम का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मस्जिद तामीर करना एक बहुत ही नेक अमल है और इसका सवाब ही सवाब है, लेकिन अगर ये शर व फसाद की नीयत से बनाई जाए तो अजाब ही अजाब है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के अंदर कदम रखने से भी मुसलमानों को रोक दिया और इसे जलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया। इस बात से यह भी साबित होता है कि अगर किसी ज़माने के अंदर किसी मस्जिद को गुमराह कुन फ़िरकों के लोग मुसलमानों के खिलाफ जासूसी और साजिशों का मरकज़ बनाकर मस्जिद को इसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगें तो मुसलमानों पर लाजिम है कि इस मस्जिद के अंदर ना तो नमाज के लिए जाएँ बल्कि इसका बायकॉट करके इसे वीरान कर दें। हरगिज़ हरगिज़ इसके अंदर नमाज ना पढ़ें, ना इसकी तामीर के लिए और ना इसकी आबादकारी के लिए कोई इमदाद करें, बल्कि इन लोगों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन असल में काफिर हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो बहुत अच्छी है एंड डेफिनेटली अगर आप वीडियो को देखोगे तो कंप्लीट और ठीक से देखोगे कि इसके अंदर मतलब बताया है मस्जिद अल ज़रार उसका नाम क्यों पड़ा। स्टोरी ऑफ मस्जिद अल ज़रार इसीलिए इसका स्टोरी है क्योंकि जब मस्जिद बनाई गई है तो वो साजिश के लिए बनाई गई है, मतलब मस्जिदें ज़्यादातर नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है, लेकिन उस मस्जिद का जो मेन एम था वो अलग था और वो गलत था, तो इसलिए उसका मस्जिद अल ज़रार और उसे जलाया गया। सिंपल स्टोरी ये है, स्टोरी मतलब अच्छी है और रीज़न लाजवाब है। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक कर देना यार हमारी वीडियो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।